at least at create at that point. Linear equation in two variable. लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. लीनियर का मतलब मैंने बताया था कि वेरिएबल पे पावर क्या होने चाहिए, वन, जैसे एक्स वन बाई वन इस तरह से. इक्वेशन का मतलब मैंने बताया था कि एक एक्सप्रेशन इधर और एक एक्सप्रेशन इधर और दोनों जो है सेपरेट रहे इक्वल टू साइन के साथ. और उसके बाद इस एक्सप्रेशन जो ये LHS साइड है और RHS साइड जो है इन दोनों का वैल्यू क्या हो, सेम रहना चाहिए. टू का मतलब तो टू होता ही है और वेरिएबल हम लोग जानते हैं जिसका वैल्यू वेरी करे, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, etc. ये सब. तो इसके बारे में हम लोग बात किए थे कि वैसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो और वो कैसा हो, लीनियर हो. वैसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल और लीनियर हो इसे हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहते हैं. इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे हम पिछले क्लास में देखे थे कि ए वन एक्स प्लस बी वन बाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू बाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो. ये हम लोग पढ़े थे. ये थोड़ा बहुत हमको लगता है ये भी बताए थे कि इसके मेथड क्या होते हैं सॉल्व करने के. तो चार मेथड होता है सॉल्व करने का. पहला मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और चौथा होता है ग्राफिकल मेथड. अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि एक क्वेश्चन की एलिमिनेशन मेथड पे हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. एक मेथड को हम लोग अच्छे से सीखेंगे और उसी के जैसा एक क्वेश्चन हमें दूंगा बनाने के लिए, फिर आप बनाएंगे और इस तरह से फिर हम लोग क्लास आगे चलते रहेगा, है ना. मेथड बाय एलिमिनेशन. एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, हटाना. एलिमिनेट करना, टू एलिमिनेट मतलब क्या, हटाना. तो भाई एलिमिनेशन एलिमिनेट क्या करना है हमको, तो एलिमिनेट जो करना है ये करना है हमको कि हम जानते हैं कि हमारे पास वेरिएबल दो है, एक एक्स है और एक क्या है, वाई है. दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि या तो एक्स और नहीं तो वाई, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना है. यही हम लोग को मेन काम है. देखिए मैं आपको दो फंडा समझाता हूँ और वो दोनों को अच्छे से हर एक क्वेश्चन, चाहे जितना भी प्रकार का क्वेश्चन रहे उससे मतलब नहीं है. बुक आर डी शर्मा रहे, आर एस रॉल रहे, NCERT उससे भी मतलब नहीं है. मतलब ये दो बात से मतलब है जो हम आपको भी बताने वाले हैं. पहला पॉइंट कि या तो एक्स को और नहीं तो वाई को एलिमिनेट करना है, हटाना है. एलिमिनेट करना है आपको, पहला पॉइंट है, या तो एक्स को और नहीं तो वाई को एलिमिनेट करना है. और दूसरा पॉइंट कि अगर साइन सेम रहे, मतलब प्लस प्लस रहे या फिर माइनस माइनस रहे, साइन अगर सेम रहेगा तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है मतलब घटाना है. और अगर साइन डिफरेंट रहे, मतलब प्लस माइनस रहे और माइनस प्लस रहे, तो याद रखना है कि हमको क्या रहे,
करना होगा, ऐड करना होगा। साइन अगर सेम रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करना है, और साइन अगर डिफरेंट रहेगा तो क्या करना है, ऐड करना है। ये बात दोनों जो है पॉइंट हमारा, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एलिमिनेशन मेथड के लिए। तो याद रहेगा, या तो एक्स को और नहीं तो वाई को एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब कैसे एलिमिनेट करना है, टारगेट करना है कि एक्स को करें कि वाई को करें, दिमाग में सेट कर लेना है। अगर एक्स को करना होगा तो देखना है इसका साइन, अगर दोनों पर साइन सेम रहेगा तो माइनस करेंगे, क्योंकि हम लोग इस बात को जानते हैं कि दो प्लस प्लस रहेगा तो कभी भी एलिमिनेट हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। या दो माइनस माइनस रहे तो एलिमिनेट हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। एलिमिनेट होने के लिए ये सिर्फ एक ही कंडीशन है, या तो प्लस के साथ माइनस हो या माइनस के साथ प्लस हो, तभी एलिमिनेट हो सकता है, इसके अलावा एलिमिनेट नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखना है, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं इसको, कि एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, एलिमिनेट करना होता है किसको, एक्स को नहीं तो वाई को, जो दो वेरिएबल है उसमें से किसी एक वेरिएबल को। और करना है कैसे, अगर प्लस को एलिमिनेट करना है टारगेट बना करके, कि या तो प्लस एक्स को करेंगे तो दोनों पर अगर प्लस है तो माइनस करेंगे, और अगर एक प्लस एक माइनस है तो ऐड करेंगे, चाहे माइनस और प्लस है तो भी ऐड करेंगे। मतलब साइन डिफरेंट होगा तो ऐड करेंगे, और साइन सेम रहेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, और ये दोनों ट्रिक को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करवाते हैं क्वेश्चन पे, देखिए कैसे बनता है, समझिएगा बात। जैसे क्वेश्चन हम अपने मर्जी से हम दे रहे हैं, ठीक ना, क्वेश्चन हमारे पास है कि x प्लस वाई इक्वल टू एट और x माइनस वाई इक्वल टू फोर, सपोज करते हैं। बेसिक जो बच्चे लिए हैं उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है दोनों के लिए, स्टैंडर्ड वालों के लिए भी, बेसिक वालों के लिए, क्योंकि यहाँ से आप शुरुआत कर देंगे क्वेश्चन डील करने के लिए। तो हम लोग को दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। मेथड बाय एलिमिनेशन में हमने आपको क्या बताया है, कि सबसे पहला काम करना है, टारगेट करना है कि एक्स को ख़त्म करना है कि वाई को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे हम देख पाए तो दोनों जगह प्लस है एक्स में, तो इसको हम एलिमिनेट ना करके, उससे अच्छा हमारे पास है कि एक वाई प्लस में है और एक वाई माइनस में है, तो हम वाई को ही एलिमिनेट कर लें। तो कुछ नहीं करना, अगर दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है, तो क्या बोले थे, ऐड करने के लिए। तो सीधा लिखेंगे हम लोग एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देन बिगेट, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो देखते हैं कि x प्लस वाई और ऐड कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं, यहीं लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू एट इक्वल टू फोर, ऐड करेंगे तो साइन तो सेम ही रहेगा, ये प्लस था तो प्लस ही रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस ही हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस ही हो जाएगा, ये बाई से बाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स क्या होगा, टू एक्स होगा, ठीक है, और एट प्लस फोर क्या होगा, ट्वेल्व होगा। हम लोग सब जानते हैं कि टू इसके साथ मल्टीप्लाई है एक्स के साथ, तो टू से इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं सिक्स बार में, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, सिक्स, ठीक है बात। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और कि x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, x का वैल्यू 6 आया, अभी 6 का वैल्यू जो है, जो x का वैल्यू जो आया, वो हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड हम किसी में भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम किसी में पुट करें तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम सपोज करते हैं कि वैल्यू पुट करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में जब वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट कहता क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू एट, तो x के ऊपर कितना, 6, यहाँ पे 6, अब प्लस y इक्वल टू एट, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6, और हम जानते हैं कि 8 माइनस 6 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। बात समझ में आई, एक बार फिर से चलते हैं।
कि दो इक्वेशन रहेगा x प्लस वाई इक्वल टू एट, x माइनस वाई इक्वल टू फोर। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं फर्स्ट और सेकेंड को। जब दोनों को ऐड करेंगे, ऐड कब कब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको बाई को एलिमिनेट करना है, बाई में साइन डिफरेंट है तो ऐड करेंगे। अगर किसी को एक्स को एलिमिनेट करना रहता तो वो क्या करता, सबट्रैक्ट करता। तो एडिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड देन बी गेट ये। तो हम लोग जब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर रहे हैं तो साइन हम लोग डिफरेंट करेंगे, चेंज करेंगे, तो प्लस को करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो प्लस तो पहले से था, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, प्लस कर रहे हैं तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस ही रह जाएगा, फिर प्लस बाई से बाई कैंसिल, एक्स एक्स टू एक्स, एक्स प्लस एट प्लस फोर ट्वेल्व, टू से कट गया बारह, छः बचा एक्स बराबर सिक्स। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, जब पुट करते हैं तो वैल्यू हमको कितना मिलता है, बाई इक्वल टू टू। बात समझ में आया? तो हम तुरंत आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, सॉल्व करिएगा। जैसे एक क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन, कुछ अंतर नहीं है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ट्वेल्व और एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर। एक क्वेश्चन फटाक से रिवीजन करने के लिए, रिवीजन करिए और हमको कमेंट कीजिए कि आंसर कितना आता है। थैंक यू।